तारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुजदिल है वो सहारा लेकर निकलते हैं। हमें लेकिन सफर के मुश्किलों से डर नहीं लगता क्योंकि हम बुजुर्गों की दुआ लेकर निकलते हैं। न्यूज परभनी महानगर के चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर शेख मुदस्सिर उर्फ मुज्जू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक ज्येष्ठ पत्रकार आभा शिंदे, लोक समीक्षा के संपादक प्रभु दिपके, परभनी आज तक के संपादक सैयद अखिल, लोक पुकार न्यूज के संपादक सैयद अयुब, पीबीएन अपडेट के संपादक सैयद अथर, कलीम कुरैशी, बाबरुद्दीन सिद्दीकी, सैयद जमील, परवेज कुसरू, बालाजी कामरे, राजू कटिले, दिलीप बनकर, उत्तम बोरसुरीकर, राहुल धबाले, धनु धबाले, संजय घनसावन, रियाज कुरैशी, शेख महबूब, शेख इस्माइल, शेख अजहर, महानगर परिवार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। 25 अगस्त 2024 को परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित अन्नपूर्णा लॉन से यहां पर किरण सोनटेक के इनकी जानिब से शिक्षक संवाद मेवाड़ावे का आयोजन किया गया था और शिक्षक संवाद मेवाड़ावा यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें जिंतूर विधानसभा मतदारसंघ के माजी आमदार और भावी आमदार विजय भामड़े इनकी भी मौजूदगी थी। इसी के साथ में प्रेक्षताई भामड़े ये भी यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर आना था खासदार सुप्रियता इसुड़े को, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके। ये शिक्षक मेला बहुत अच्छे अंदाज में कामयाब हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार पक्ष के शिक्षक सम्मेलन में 25 अगस्त 2024 को परभणी शहर के जिंतूर रोड स्थित अन्नपूर्णा लॉन से यहाँ पर शिक्षक मेलावे का आयोजन राष्ट्रवादी कांग्रेस सेल के अध्यक्ष प्राध्यापक किरण सोनटक के इनकी जानिब से किया गया है। इस परिषद में आमदार सुरेश रावजी वरपुड़कर, माजी आमदार विजय रावजी गौहाने, माजी आमदार जयप्रकाश दांडेगावकर, माजी आमदार विजय भामड़े, सौराज सिंह, सौराज पाटिल, नागराड़कर, भीमराव हत्ती अंबिरे, वेंकट कदम, डॉक्टर नरेंद्र काड़े, आयोजक प्राध्यापक किरण सोनटक के जाकिर अहमद खान, रितेश काड़े, विकास लंगोटे, प्रेक्षा भामड़े, मनीषा केंद्रे इनकी मौजूदगी थी। यहाँ पर जिस तरह से ये शिक्षक मेलावा लिया गया है, इस शिक्षक मेलावे में इन तमाम मान्यवरों के अलावा यहाँ पर संवाद शिक्षक रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। खासदार सुप्रियता इसुड़े इनकी मौजूदगी यहाँ पर होनी थी, लेकिन खासदार सुप्रियता इसुड़े ये किसी वजह से यहाँ पर नहीं आ सके, जिसके चलते यहाँ पर यह प्रोग्राम कामयाब तो हो चुका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार इनके गट ने जिस तरह से परभणी जिले में पूरी तरह से अपना यहाँ पर अस्तित्व निर्माण करके रखा हुआ है और अस्तित्व को टिका कर रखा हुआ है, यही मैसेज यहाँ इस शिक्षक मेलावे के जरिए से दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरी तरह से पूरे जिला भर में एक्टिव हो चुके हैं, यही मैसेज यहाँ से देना था इन्हें। और जिस तरह से यहाँ परभणी जिले में शरद चंद्र जी पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस में दो टिकट हो सकता है क्या फाइनल होना है, जिसमें जिंतूर सेलू विधानसभा मतदार संघ आमदार विजय भामड़े इन्हें बनना है और घनदाट मामा इन्हें गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ से आमदार बनना है, यही कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया प्राध्यापक किरण सोनटक के इन्होंने इस मेलावे के ताल्लुक से दी है। शिक्षक संवाद मेळाचं आयोजन केलं होतं, कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या आदरणीय सुप्रिया ताईसुळे होते आणि या कार्यक्रमामध्ये जवळपास 5,000 शिक्षकांचा सहभाग होता। यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, निवासी, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, इंग्रजी माध्यम या सगळ्या स्तरातील शिक्षकांचा सहभाग होता आणि या ठिकाणी शिक्षकांच्या चर्चा, शिक्षकांच्या अडचणीवर चर्चा झाली, समस्यांवर चर्चा झाली आणि येणाऱ्या काळामध्ये या सगळ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ताईंकडं आम्ही काही मागण्या केल्या होत्या, त्या मागण्या ताईंनी मंजूर केल्या आणि येणाऱ्या काळात आमच्या मागण्या पूर्ण होतील याची मला पूर्ण खात्री आहे। ताई आज येऊ शकते, आमच्यासोबतच होते, ताई आमच्यासोबतच होते। पर्यावरणाच्या अडचणीमुळं हेलिकॉप्टरला उड्डाण घेता आलं नाही, पण तरी ऑनलाईन ताईंनी आमच्याशी संवाद साधला आणि अक्षरशः आम्हाला ताईंची कमी बिलकुल जाणवलीच नाही, त्यांनी अशा पद्धतीनं शिक्षकांचे जे काही प्रश्न आहेत ते सर्वांचं आम्ही संकलन केलेलं आहे, आमची सगळ्यांची त्याच्यावर अगोदर चर्चा झालेली आहे आणि वन बाय वन आम्ही या सगळ्या प्रश्नांना हात घालून सगळे सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। उद्या टपा अनुदानासाठी आमचे शिक्षक बांधव आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेले आहेत, येत्या 4 दिवसांमध्ये आम्ही सर्वजण त्या ठिकाणी जाणार आहोत आणि सर्व मिळून त्या आंदोलनाला पाठिंबा देणार आहोत। सर, ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान,
परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मोन्ना खान पठान, इन्होंने मिलकर, मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए, जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं। ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एन ए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एन ए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से इंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22x40 के प्लॉट्स है और 22x40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सेंक्शन कराकर ये डीपी, और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के खत्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है, हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है, हर प्लॉट पर यहां पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहां पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी, अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर बनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मासूम कॉलोनी दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।